वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे एंड प्रे करती हूँ आप सब हमेशा खुश रहें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके बोडी कुकिंग स्वाद का राज में। आज हम बनाने वाले हैं चीनी मिनी रायता उड़द की दाल से। तो बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सामान चाहिए होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ये आज हमें चीनी मिनी रायता बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें सबसे पहले 50 ग्राम उड़द की दाल है। इसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। ये मैंने पहले से भिगो कर रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट बनाया है। ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल इसे बारीक कर लेना है। बिल्कुल एकदम देख रहे हैं आप कितने सॉफ्ट है ये, बिल्कुल एकदम। आज और इसमें मैंने 250 ग्राम दही लेंगे, काला नमक लेंगे। इस यहाँ पर मैं सादा नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, काले नमक का स्वाद थोड़ा अलग अच्छा होता है। धनिया पाउडर थोड़ा सा, साथ ही साथ चाट मसाला भी इसमें मिक्स है, मैंने दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स करके रखी हुई हैं। ये लाल मिर्च है, जीरा है, ये 2 सूखी मिर्च हैं तड़कन के लिए, राई, एक आलू भी चाहिए होगा हमें इसमें उड़द दाल में मिक्स करने के लिए, 1 कटोरी तेल है, थोड़ी सी धनिया पत्ती, ये मैंने सूखी मिर्च के लंबे स्लाइसेस में कट करके रखा है, इसे गार्निशिंग करेंगे, इसका टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छे आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उड़द दाल का रायता। तो उड़द की दाल बनाना, रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल की जो मैंने पीस के रखी थी इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसमें हवा ना भर जाए। अच्छे से फेंटेंगे तभी ये फूल कर अच्छे से भीग जाएंगे उसके अंदर तक। तो अगर ये उड़द दाल फेंट गई, इसे पता करने के लिए हम इसे थोड़े से 1 कटोरी पानी में थोड़ी सी दाल को डाल के देखेंगे। अगर ये नीचे बैठ गई हो तो हम इसका मतलब है ये अभी तक नहीं फेंटी है, तो हम इसे अभी थोड़ी देर और फेंटेंगे जब तक ये हवा नहीं भर जाती इसमें, तब तक हमें फेंटना है। अब हम पता करते हैं उड़द दाल हुई है कि नहीं। आप थोड़ी सी दाल डाल के देखिए, अभी भी ये नीचे ही बैठी हुई है, अभी भी ऊपर नहीं आई है। एक बार फिर से फेंटते हैं और फिर देखते हैं अब हुई कि नहीं हुई। देखिए अब तैर के बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, तो उड़द दाल बिल्कुल फिट चुकी है, एकदम परफेक्ट हमारे लिए जो चाहिए थी। अब हमने जो एक आलू उबाल कर रखा था उसे भी कद्दूकस कर लेंगे, और साथ ही साथ दाल में मिक्स करने के लिए बिल्कुल महीन बारीक होना चाहिए इसका। अब आलू में कद्दूकस हो गया है तो अब इसमें दाल भी जो हमने फेंट कर रखी थी उसे मिक्स करते हैं। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, एक साथ ये सारी चीज़ें मिला लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल मिलकर एक सा हो गया है। अब हम इसकी बिल्कुल तैयारी है, अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये कढ़ाई मैंने पहले से गैस पर रख दी थी, अब इसमें 1 कटोरी के लगभग तेल डाला है, सॉरी थोड़ा कम ही है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब देखिए अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था सारी चीज़ों का मिक्स करके उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे, चीनी मिनी सी, इसीलिए मैंने इसका नाम चीनी मिनी रायता रखा है ताकि इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ पड़ी हुई हैं। देखिए ये सारी पड़ चुकी हैं और नीचे एक साइड से सिक भी चुकी हैं, तो अब हमने दूसरी साइड पलट कर सेक लेंगे। इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से हो जाए, दाल अंदर कच्ची ना रहे। जब ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगी स्लो फ्लेम पे ही, तब इनका टेस्ट अच्छे से निखर के आएगा। तो देखिए बिल्कुल ही फ्राई हो चुकी हैं, ये निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने इसी स्टेज पर निकाल लेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है नहीं तो ये कड़क रहेंगी थोड़ी सी। तो चलिए 1 कटोरी पानी लेंगे और जो मैंने चीनी मिनी पकौड़ियाँ बनाकर रखी हुई थी इन्हें 5 मिनट के लिए इस पानी में सोक करेंगे। ये अच्छे से पानी सोख चुकी हैं 5 मिनट के लिए, अब इन्हें हम अलग बर्तन में निकाल देते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी दही, 250 ग्राम जो दही थी वो डालेंगे।
दही अच्छे से फिटी हुई होनी चाहिए, एकदम लम्स नहीं होना चाहिए उसमें भी। इसमें आधा चम्मच काला नमक डाला है हमने, स्वाद के अनुसार आप डालिएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा नहीं डाला है ताकि हमें दही कलर नहीं चेंज करना है, देखने में अच्छी नहीं लगती है। अब ये जो मैंने चीनी मिनी पकौड़ियाँ बना कर रखी थी उसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और 5 मिनट के लिए इसे भी सोक करने के लिए रख देंगे ताकि दही अंदर तक अच्छे से सोख जाए पकौड़ियाँ। तो ये देखिए सोख गई हैं। अब इसमें हम थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब इसका तड़के की तैयारी करते हैं। ये जो मैंने पहले से तेल में पकौड़ियाँ फ्राई की थी उसी तेल को निकाल दिया है मैंने, थोड़ा सा छोड़ा है। अब इसमें आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, जीरे अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे। इसमें 2 सूखी मिर्च मैंने तोड़ के डाली हैं साबुत, हल्के से बीच में तोड़ दीजिएगा नहीं तो ये चटकती हैं। आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं यूज की है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए रायता भी बिल्कुल पकौड़ियाँ भीग चुकी हैं, अच्छे से सोख चुकी हैं दही को। अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा सा इसमें तड़का डाला हमने ऊपर से, तड़का पड़ चुका। अब इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऊपर से थोड़े से और डालेंगे, मैंने पहले भी ऐड किए हुए थे, गार्निशिंग के लिए थोड़े से और डाले हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें मैंने जो सूखी मिर्च के लंबे स्लाइसेस में कट करके रखी थी अब इसे भी हम ऊपर से गार्निशिंग में डालेंगे। इसका कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छे आते हैं। बिकॉज मैंने दही में ज़्यादा मिर्च नहीं यूज की है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और